कैसे इंडिया वालों, आज तो आपकी इज्जत का हमने जनाजा निकाल डाला, आपकी तो सारा कर गुरूर हमने मिट्टी में मला दिया। बुतनी वालों, 117 का टारगेट हमने 121 रन बनाया, वो भी केवल 11 ओवर में हम ठोकती। मिचेल मार्श ये अब क्या बोलती, ये दोनों मिचेल हम इन पर भारी पड़े। पहले मैंने इनकी 5-5 विकेटें उड़ाई, उसके बाद बल्लेबाजी में भैया आप शुरू हो गए। 36 गेंदों पर 66 रन ठोक डाले, 6 छक्के 6 चौके लगा डाले, टारगेट 11 ओवर में पूरा। मिचेल स्टार्क हम भी बढ़िया गेंदबाजी करती, मैं भी 3-3 आउट करती, पांड्या को मैं आउट करती, उसके बाद 2 गेंदबाजों को आउट क्या करती तो क्या होती। लेकिन भैया विकेटें तो हम 3 लेती, आज इंडिया का सारा गुरूर हमने मिट्टी में मला के रख डालती। हाँ थानी अबाउट, हम इंडिया का गुरूर मिट्टी में नहीं मलाता बल्कि दफन कर दिया। जान छोटा बुतनी का बहुत गुरूर करता था और हम भी आधा शतक लगाता, 51 रन ठोकता, 11 ओवर में टारगेट पूरा किया, ओडीआई मैच में पहली बार ऐसा ठोका। अबे ऑस्ट्रेलिया वालों पागल हो गए, ससुरी वालों दिमाग खराब करके रखा है, एक ओडीआई तो जीता है, अभी तो केवल सीरीज 1-1 से बराबर हुई है, अब देखना अंतिम मुकाबले में हम तुमको कैसे तेल लगाता और सीरीज हमारे नाम ही रहेगा। और रोहित भैया करने दो इनको टेंटे, ससुरी वाले गुरूर मला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भूतनी वालों, तीसरे ओडीआई में हम आपका इससे भी बुरा हाल करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे आज राहुल का बल्ला नहीं चला, पहले मैच में चला था, कैसे छठी का दूध याद लाया था। हाँ राहुल भैया काहे को टेंशन ले रहे हो, ये भूतनी वाले आज का मैच जीत के आ गए तो क्या हुआ, सूर्या का 2 मैचों में बल्ला नहीं चला, आप देखना तीसरे मैच में सूर्या बल्ला चलाएगा, सूर्या अकेले इतने रन ठोकेगा ना कभी किसी ने ठोके होंगे ना कभी किसी ने सोचा होगा। अबे बस करता सूर्या का बच्चा, 2 मैचों में तुमको हमने ही शून्य पर आउट किया पहली गेंद पर, अब देखना तीसरे ओडीआई में भी तुमको हम शून्य पर आउट करता, फिर तुमको पता चलता इतना बुरे तरीके से ठोका फिर भी तुम्हारा टेंटे बदनी होता। अबे चुप कर ससुरी के मिचेल स्टार्क के बच्चे, ऐसा होता रहता है क्रिकेट है, ऊंच नीच हो जाती है, आज आपने बड़े मार्जिन से ठक डाला लेकिन तुम टेंशन मत लो, तीसरे मैच में हम तुमको ऐसा ठोकेंगे तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। अबे बस करता पांड्या का बच्चा, तुम्हारे बस का बात नहीं है, ससुर के नाती अभी तो तुम बच गए, 1-2 छोटी-छोटी साझेदारी लगी, वरना तुम्हारी टीम से 50 रन नहीं बनने थे और हमने 3 ओवर में टारगेट पूरा करके दिखाना था। अबे बस कर ऑस्ट्रेलिया वाले, आज का मैच तूने किया जीत लिया, 11 ओवर में ससुर के नाती दिमाग खराब कर रहे हो, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी वरना 200 तो पक्का स्कोर था, जो 3 ओवर वाला तुम कह रहा है ना ये हम करके दिखाएंगे तीसरे ओडीआई में। ओ पांड्या भैया छोड़ो, इनकी बस की बात नहीं है टीम इंडिया से सीरीज जीतना, आज का तो मैच हम भैया मजाक में आउट हो गए मारने के चक्कर में, अगर हमारी विकेटें रुक जाती तो आज इनको 500 का टारगेट देना था, आखिरी मैच में 600 का देंगे। अबे इंडिया वालों शर्म नाम की तुम में कोई चीज है, कसम से जितनी आपके साथ हुई ना आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, फिर भी टैं कर रहे हो और तीसरे मैच की धमकी दे रहे हो, उसमें हम आपका इससे भी बुरा हाल करने वाले हैं बल्कि करेंगे। तो छोड़ यार एंटोनी अबाउट, ये इसी तरह है भैया, इनको शर्म बर्म नहीं आती और हमको बोलते रहते हैं, अब देखना तीसरे ओडीआई में इनको 50 रन भी नहीं बनाने देंगे, पहला मैच पता नहीं गलती से ससुर का नाती कैसे जीत गया। अबे बस कर मिचेल मार्श के बच्चे, तूने पहले मैच में भी आधा शतक लगाया, आज क्या आधा शतक लगा लिया, मैच क्या जीत लिया, सीरीज बराबर कर ली, राहुल आज टिका नहीं, टिक जाता ना पहले मैच में टिका था कैसे नानी याद लाई थी, अब तीसरे मैच में देखो हम क्या करते। राहुल भैया जाने दो, सूर्या का बल्ला नहीं चला 2 मैचों में, इसलिए फिर भी भूतनी वाले एक ही मैच जीत सके, अब देखना सूर्या तीसरे मैच में बल्ला चलाएगा, ये ऐसे रोएंगे कोई चुप कराने वाला नहीं होगा, और रोते हुए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 2-3 साल रोते रहे। अबे बस करता सूर्या कुछ शर्म कर लेता यार, ऐसा नहीं क्या करो, खामखा लंबा नहीं छोड़ता, इधर मिचेल मार्श का बल्ला चलता, अब देखना तीसरे ओडीआई में बल्ला तो हमारा चलता, हम अकेला 300-400 रन बनाता, समझ जाता। अबे बस कर मिचेल मार्श के बच्चे, ये तो तीसरे ओडीआई में पता चलेगा कौन भैया भारी पड़ता है, सब पीलेंगे छट्टी का दूध याद दिलाएंगे, आपको पिला के भेजेंगे। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो था, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।